भोलेनाथ और हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखी होंगी, पर क्या विघ्नहर्ता श्री गणेश की बड़ी प्रतिमा देखी है? ये प्रतिमा स्थापित है इंदौर के 120 साल पुराने बड़ा गणपति मंदिर में। इसे इंदौर का बड़ा गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़ा गणपति मंदिर की स्थापना 1901 में की गई। इस मंदिर की स्थापना को लेकर बताया जाता है कि पंडित नारायण दाधीच को भगवान ने दर्शन दिए थे। बाल्यकाल में देखा स्वप्न उन्होंने युवा अवस्था में पूरा किया और 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी गणेश प्रतिमा की स्थापना की। ये अष्ट धातु और मणि माणिक्य का इस्तेमाल इस मूर्ति के निर्माण में हुआ। मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होता है। गणेश उत्सव पर सिद्धि विनायक के सिर पर 21 किलो चांदी का छत्र भी चढ़ाया गया है। इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन होते हैं। इसके बाद भक्तों को लंबोदर के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर में बड़ा हॉल है जहां भक्त बैठकर भगवान गणपति की आराधना भी करते हैं। यहां प्रतिदिन आने वाले भक्त बताते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई सभी मनोकामनाएं यहां पूरी होती हैं और मन को शांति का अनुभव होता है। आप अभी बड़े गणपति प्रांगण में खड़े हैं। ये बड़े गणपति जी जो मूर्ति है, पंडित नारायण जी दाधीच ने सन 1901 में अपने बाल्य रूप में जो स्वप्न देखा उसको युवा अवस्था में आके साकार करा। अपनी 3 साल की तपस्या द्वारा ये गणेश जी की मूर्ति 25 फीट लंबाई 14 फीट चौड़ाई की मूर्ति स्थापित की है। इसमें सभी अष्ट धातु के सरिये उपयोग किए गए, हीरा पन्ना मोती का उपयोग किया गया है, घुड़साल और हस्त इनकी मिट्टी का उपयोग किया, पवित्र जलों का उपयोग किया गया है। इसके द्वारा 3 साल में मूर्ति बनके तैयार करी अपने परिश्रम से। और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना हुई इसके पहले गणेश जी की छोटी मूर्ति निकली, तत्पश्चात ये आगे बड़े गणेश जी का निर्माण किया गया। कि मैं यहाँ पर अक्सर ही आता रहता हूँ। गणेश जी का त्यौहार, जैसे कि हमें पता है गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है और इस को लेकर शहर भर में उल्लास का माहौल है। यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन के लिए डेली आते हैं और मैं भी यहाँ प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकूँ। और जैसे कि पता है ये मूर्ति विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है गणेश जी की, तो यहाँ पर एक अलग सा आने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ अक्सर दर्शन के लिए आऊँ। गणेश जी के नाम पे रखा गया बड़ा गणपति चौराहा। इस स्थान पे जो गणेश जी की मूर्ति है वो 120 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी 1901 में। दधीची परिवार द्वारा स्थापित इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे विश्व में देवता के रूप में इस तरह के गणेश जी नहीं है। आप जब इस मूर्ति के दर्शन करते हैं तो आपको एक अलग ही आत्म शांति का अनुभव होता है। 25 फुट ऊंची और 14 फुट चौड़ी मूर्ति, और आप देख रहे हैं कि किस तरह गणेश चतुर्थी के 10 दिन का जो उत्सव है उसको लेकर मंदिर में जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। सटीक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।